Hello, my dear students. In this video lecture, we will talk about chapter number 1, Biological Molecules, part 9. आज हम part 9 discuss करेंगे इस video lecture में और आज इस short video lecture में हम discuss करेंगे stereoisomers in carbohydrates according to new book of synth textbook board. Yeah, I'm sure. Let's start. डियर स्टूडेंट्स, स्टीरियो आइसोमर्स को पहले डिफाइन करेंगे जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स में मिलते हैं. बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियो आइसोमर्स? दीज मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, जिसको कहा गया ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं. अब देखें डियर स्टूडेंट्स, मिरर इमेज किसे कहते हैं? हमने यहाँ एक ट्रायोस कार्बोहाइड्रेट लिया, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने एक ट्रायोस कार्बोहाइड्रेट लिया और उसको हमने एक मिरर के सामने रख दिया और अब हमें इस ट्रायोस का मिरर इमेज नजर आ रहा है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3. तो डियर स्टूडेंट्स, इस मिरर इमेज में जो इसका राइट साइड है वो मिरर में लेफ्ट नजर आ रहा है और जो इसका लेफ्ट है वो मिरर में राइट नजर आ रहा है. तो इसे कहते हैं मिरर इमेज, एन इमेज और ऑब्जेक्ट विच इज आइडेंटिकल इन फॉर्म टू वन अनदर बट विद द स्ट्रक्चर रिवर्स्ड इन अ मिरर. ये जो जो आपको इमेज नजर आ रहा है, मिरर इमेज नजर आ रहा है एक ट्रायोस का, जब ये मिरर में एक दूसरे के आमने सामने है तो इनका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सिमिलर है लेकिन रिवर्स्ड हो गया है. देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे मिरर से बाहर हमने ये जो ट्रायोज रखा है, इट इज कॉल्ड डी ग्लेसर अल्डिहाइड और जो मिरर में हमें नजर आ रहा है इट इज एल ग्लेसर अल्डिहाइड. याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मीन्स राइट साइड, एल स्टैंड्स फॉर लेवो एंड लेवो स्टैंड्स फॉर लेफ्ट साइड. अब सेंट्रल कार्बन देखिए, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, यहां भी देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकंड और थर्ड. तो जो मिडिल वाला सेंटर वाला कार्बन है यहाँ पे OH आपको राइट साइड पे नजर आएगा और वही सेम मिरर के अंदर आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जब एक ट्रायोस लिया, उसको मिरर के सामने रखा और हम उसका मिरर इमेज देख रहे हैं, तो हमने जो मिरर के बाहर रखा है ये है डी ग्लेसर अल्डिहाइड और मिरर में हमें ये वही सेम कार्बोहाइड्रेट नजर आ रहा है एल ग्लेसर अल्डिहाइड. उसका जो राइट साइड है वो हमें अब मिरर के अंदर लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है. देखिए ये स्टूडेंट्स, हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये डी आइसोमर है या फिर ये एल आइसोमर है? तो इसको पढ़िएगा, एल आइसोमर हैज ओएच ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेंट्रल कार्बन. देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये सेंट्रल कार्बन है और यहाँ पे OH मुझे लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, तो L स्टैंड्स फॉर लेवो, लेवो स्टैंड्स फॉर लेफ्ट साइड. जबकि जो डी आइसोमर होता है उसका जो OH ग्रुप हमें सेंट्रल कार्बन के राइट साइड पे नजर आ रहा है. यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है सेंट्रल कार्बन और OH हमें यहाँ पे राइट साइड पे नजर आ रहा है, डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मीन्स राइट साइड. तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे दो आइसोमर्स के बीच में, जिसमें हमें एक दिया गया है एल आइसोमर और दूसरा दिया गया है उसका डी आइसोमर. डियर स्टूडेंट्स, द एल इज टेकन फ्रॉम लैटिन लेवियर, लेवो, लेवियर मींस लेफ्ट साइड एंड डी इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड डेक्स्ट्रो, डेक्स्टर व्हिच मींस राइट साइड. अब देखें ये वही मिरर इमेजेस जो हम देख रहे थे पिछली स्लाइड पे. तो ये जो डी ग्लेसर अल्डिहाइड है इसको हम कहते हैं डी ग्लाइसरोज, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल कार्बन के राइट साइड पे मुझे OH नजर आ रहा है, डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो राइट साइड पे, और जो सामने उसका मिरर इमेज हमने देखा था मिरर में, तो यहाँ पे जो सेंट्रल कार्बन है उसमें मुझे OH लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, तो ये हो गया एल आइसोमर. सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन रिपीटिंग, द एल आइसोमर हैज OH ऑन द लेफ्ट ऑफ द सेंट्रल कार्बन एंड डी आइसोमर हैज OH ऑन द राइट साइड ऑफ द सेंट्रल कार्बन. तो ये हमने डिस्टिंग्विश कर लिया कि हम कैसे पहचानेंगे ये डी आइसोमर है या फिर ये एल आइसोमर है.
अब हम आते हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो के एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे जो शुगर, जो मोनोसेक्राइड है, वो है डी ग्लूकोज, और उसके सामने उसका स्टीरियो आइसोमर है एल ग्लूकोज। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन नंबर 5 को नोट करिएगा। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। अब यहाँ पे कार्बन देखिए एल ग्लूकोज के, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड दिस इज कार्बन 6। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, 5 वाले कार्बन को मैं मार्क कर रहा हूँ, सर्किल कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको डी ग्लूकोज में ये जो कार्बन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट्स, इसमें ओ एच राइट साइड पे नजर आएगा। डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मीन्स राइट साइड। और ये जो डियर स्टूडेंट्स एल ग्लूकोज है, ये उसका कार्बन नंबर 5 है, और यहाँ पे आपको ओ एच ग्रुप कहाँ पे नजर आएगा, लेफ्ट साइड पे। तो ये फर्क है डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में। कार्बन नंबर 5 पे अगर ओ एच राइट साइड पे होगा तो ये कहलाएगा डी ग्लूकोज, और अगर कार्बन नंबर 5 पे ओ एच लेफ्ट साइड पे होगा तो ये कहलाएगा एल ग्लूकोज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्टिंग्विश कर लिया डी आइसोमर को एल आइसोमर से। अब इसकी इंपॉर्टेंस हमें पढ़नी है, जो कि हमारे न्यू बायोलॉजी की बुक में दी गई है। यहाँ पे लिखा गया है कि जो मोस्ट ऑफ द शुगर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो राइट हैंडेड होते हैं, यानी डी शुगर्स होते हैं। और टेस्ट चाहे वो डी हो या एल हो, टेस्ट दोनों का सेम होता है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स लिखा गया है, द टेस्ट जो होता है राइट हैंडेड का और लेफ्ट हैंडेड का, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब हम आते हैं कि ये जो डी ग्लूकोज है और जो ये एल ग्लूकोज है, उसको जाहिर बात एंजाइम तो ब्रेक करने वाले होंगे। एंजाइम्स किस चीज के बने हुए होते हैं, प्रोटीन के। तो हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर जो एंजाइम होते हैं, वो भी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंडेड एंजाइम्स भी पाए जाते हैं और लेफ्ट हैंडेड एंजाइम्स हमारे सेल्स में नहीं होते। याद रखिएगा, हमारे सेल्स में राइट हैंडेड एंजाइम्स होते हैं। द एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी सेल्स, दे आर आल्सो राइट हैंडेड, वो भी राइट हैंडेड है। तो ये डी ग्लूकोज को ब्रेक कर देंगे। देयरफॉर राइट हैंडेड एंजाइम्स मेटाबोलाइज ब्रेक डाउन राइट हैंडेड शुगर्स ओनली। तो फिर क्या एल ग्लूकोज अगर हम लें, आर्टिफिशियल बनाकर लें, तो क्या वो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होगा? नहीं होगा, क्योंकि एल ग्लूकोज को सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंडेड एंजाइम ब्रेक करेंगे, जो कि हमारे सेल्स में नहीं होते। तो ये लिखा गया है, दे आर अनएबल टू डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज लेफ्ट हैंडेड शुगर। ठीक है, जो राइट हैंडेड एंजाइम है वो लेफ्ट हैंडेड को ब्रेक नहीं कर सकता। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली डी शुगर्स होते हैं, एल शुगर्स नहीं होते। हाँ, वो हम आर्टिफिशियली लैब में बना सकते हैं। तो ये लिखा गया है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है, तो उसमें एल शुगर होता है, एल ग्लूकोज होता है। व्हिच आर यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज मेलिटस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, जिसको आप और हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड डायबिटिक पेशेंट्स में। यूजुअली आर लेफ्ट हैंडेड शुगर्स, तो उनको जो स्वीटनर दिया जाता है वो लेफ्ट हैंडेड एल शुगर होता है। तो आगे लिखा गया, दीज शुगर्स हैव सेम मास एंड सेम स्वीटनेस, सेम टेस्ट, बट हैव जीरो कैलोरीज, इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो जैसा कि हमारे सेल्स के अंदर लेफ्ट हैंडेड एंजाइम्स नहीं होते, तो फिर ये शुगर्स भी मेटाबोलाइज नहीं होंगे। दीज शुगर्स आर नॉट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी बिकॉज ऑल ऑफ अवर एंजाइम्स आर राइट हैंडेड एंड दे आर स्पेसिफिक टू ब्रेक डाउन राइट हैंडेड शुगर्स। तो लेफ्ट हैंडेड शुगर हमारी बॉडी में ब्रेक नहीं होगा। तो यही पॉइंट लिखा गया है लास्ट लास्ट टू लाइंस में, द लेफ्ट हैंडेड वॉन्ट फिट इन टू द कैटालिटिक साइट, कॉन्सिक्वेंटली देर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ दीज शुगर्स, नो मेटाबोलाइजिंग, नो मेटाबोलिज्म, नो कैलोरीज। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको एल ग्लूकोज क्यों दिया जाता है, वो उनके लिए बेनिफिशियल क्यों होता है? अब देखिए, ये जो एल ग्लूकोज है, इसके लिए लिखा गया, डज नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर होता ही नेचुरली होता ही नहीं, नेचुरली तो डी ग्लूकोज होता है। तो क्या हम इसको आर्टिफिशियली लैब में बना सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी आर्टिफिशियली। अगर हम इनकी टेस्ट की बात करें, तो लिखा गया है एल ग्लूकोज इज इंडिस्टिंग्विशेबल इन टेस्ट फ्रॉम डी ग्लूकोज। टेस्ट तो दोनों का सेम है, स्वीटनेस दोनों की सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो
एल ग्लूकोज हम आर्टिफिशियली लैब में बनाकर एज अ स्वीटनर देते हैं डायबिटिक पेशेंट को, क्यों, उससे क्या फायदा होगा? कैन नॉट बी यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन ये हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर, यानी डायबिटिक पेशेंट है जिसको डायबिटीज मिलाइटस का डिसऑर्डर है, अगर हम उसको आर्टिफिशियली एल ग्लूकोज देंगे एज अ स्वीटनर तो वो उसकी बॉडी में ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में या फिर हमारी बॉडी में राइट एंड एंजाइम्स होते हैं। लिखा गया है नो मेटाबॉलिज्म, नो कैलोरीज, सूटेबल फॉर पेशेंट्स विद डायबिटीज मिलाइटस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इम्पॉर्टेंस एल ग्लूकोज का एज अ स्वीटनर फॉर द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज मिलाइटस। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।